किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसकी गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गाँव वासियों को मुख्य धारा में लाना संभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं देखने को मिलता है कि गाँव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गाँव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित गाँव हाफिजपुर पड़ा। लगभग 3000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी 16 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गाँव के प्रधान अरविंद कुमार हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 178 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा के बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गाँव में 10 CC टाइल्स रोड, प्राइमरी विद्यालय में टाइल टंकी एवं बिजली फिटिंग का कार्य तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 60 शौचालय का निर्माण कराया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गाँव में 40 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 10 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 125 विद्युत पोल, 9 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 22 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में शमशान घाट, पंचायत घर, सड़क तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 आवास के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं अरविंद कुमार, ग्राम प्रधान हाथीपुर बोल रहा हूँ। हमने जो है स्कूल में जो पीछे बाउंड्री थी बिल्कुल कतई नहीं थी, उसमें जो जानवर इधर से इधर पार हो जाते थे जी, और जो मोटरसाइकिल वाले थे वो जो है इधर से निकलते थे इधर चले जाते थे जी, और लोग जो है ना जानवरों को अंदर बांध देते थे। अब ठंड होती थी, पिलखन का पेड़ है उस पर नीचे बांध देते जी। उसके बाद हमने जो है उसका कुछ बाउंड्री का शुरुआत की थोड़ी सी रोकने के लिए जानवरों को जी, जी। फिर हमारे टीचर बोले क्या उसके बाद साहब इसने ना पूरी ही करा दो प्रधान जी, फिर धीरे धीरे हमने जो उधर का शुरू करा तो पूरी बाउंड्री सरकार से जब तक पैसे भी नहीं मिले थे हमने पूरी बाउंड्री अपने पैसे से करा दी जी जी जी। उसके बाद जो है फिर गेट दूसरी तरफ लगा हुआ था, उसका गेट उधर से आ रहा है, तब तो जो है उसमें घुस जाते थे जी। टीचर या वो बैठते थे तो उन्हें मजाक उड़ाते थे। उसके हमने जो है उसका गेट दूसरी तरफ लगवाया जी जी, उससे सेफ्टी हो गई। और जो सारे स्कूल में बिजली की फिटिंग अंडरग्राउंड करा दी, हर कमरे में दो दो पंखे के लिए फास्टनर लगवा के करा दिया है जी जी। और रसोई में भी हीटर वगैरह को चलाना उसके लिए लगवा दिया है जी। और समरसेबल नहीं था उसमें जो पौधों को पानी के लिए या ग्राउंड के पानी के लिए, तो उसमें समरसेबल की मोटर नल में डलवा के समरसेबल चालू करा दिया है जी जी जी। तीन टैंक हमने रसोई के पर अलग और शौचालय पे अलग, और जो दूसरा शौचालय है उस पर अलग लगवा रखे हैं जी जी। और ग्राउंड में सारे में CC टाइल लगवा के रास्ते बनवा दिए, जिसका पेमेंट अभी हुआ भी नहीं है, एडवांस पर पूरा काम हो रहा है। पूरे विद्यालय की पुट्टी लगा के सारी दीवारों की पुताई चल रही है, अभी आधा काम हो गया है, आधा भी बाकी रह गया है जी। रसोई के सामने टंकी लगवा दी है, जब बच्चे पानी पीने के लिए हाथ धोने के थे वो उसका इंतजाम कर दिया गया है जी। और अभी जो है थोड़ा काम चल रहा है, उसके बाद और आगे काम हो जाएगा जी। गांव में जो है सोलर लाइट लगवा रखी है चौराहे पर जगह जगह, जो अंधेरे में रोश नाच रहे हो। उसके बाद 20 स्ट्रीट लाइट लगवा रखी है, जिनमें लगा हुआ है वो सुबह को बुझ जाती हैं और रात को ऑटोमेटिक जल जाती हैं। गाँव के सड़कों का विकास है, जो बहुत ज़्यादा गाय पड़ी थी, घार रहती थी, उन पर लोग निकल नहीं पाते थे। सबसे पहले उन काम को कराया हमने, उसके बाद जो थोड़े पैसे थे वो कराया, उसके बाद कुछ जगह CC टाइल लगवाई है, और जो हमारा दूसरा काम वारपुर पड़ता है 3-4 रास्ते हमने वहाँ पर भी करा दिए हैं, और उसके भी शौचालय स्कूल के वहाँ भी सही करा रखे हैं। और गाँव में 60 शौचालय लोगों को मदद करके बनवा रखे हैं, जिसका पैसा भी आना बाकी है, वो भी नहीं आया है। आगे हमारे गाँव में जो है पानी की निकासी की सुविधा नहीं है, गाँव से बाहर तीन साइड है, तीनों साइड पानी जाता है, तो हमारे खेत हैं उनमें ही जाता है। कोई उसके लिए बड़ा लंबे नाले की प्रक्रिया हो जाए या कोई तालाब के लिए कोई ज़मीन एक्वायर कर दी जाए, जो उसमें तालाब हो तो उसका पानी उसमें चला जाए। और गांव के पास में सड़कों पर घूरी पड़ी हुई हैं, सरकार को ऐसा इंतजाम कर दे जो कोई घूरी हट जाए तो बीमारी वगैरह कम फैलें, और जो लोग उन पर भी लाइटिंग वगैरह कर देते हैं घूरियों पर, तो उससे बीमारी होने का खतरा रहता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि की किस्त समय पर न मिलने के कारण गांव में विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। मान अली है, मैं ग्राम हाफिजपुर, ग्राम पंचायत हमारी हाफिजपुर लगती है, वहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ा हूँ इस टाइम। और यहाँ की स्थिति इस तरह से कर दी है सरकार ने, ये
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया है सरकार की तरफ से, और जब बनवाया गया है लेकिन आज तक इसकी स्थिति ऐसी है ना, तो यहाँ पर कोई अब तक डॉक्टर आया है और ना कोई वैसी इसकी व्यवस्था है, किसी ने देखा नहीं है। गांव में अगर कोई भी परेशानी हो जाए तो लोग भागते हैं बाहर, इमरजेंसी यहाँ है नहीं कोई। सरकार ने यहाँ पैसा लगाया है, मैं कहना चाहता हूँ सरकार का यही योजना है, सरकार इस तरह से पैसे लगा देती है और वहाँ के ना तो कोई काम है ना सरकार उससे गाँव में कोई जरूरत पूरी होती है, लोग परेशान हैं, बस बना दिया सरकार का, एक ठप्पा हो गया, हमारे गाँव की बदनामी हो गई साहब। ग्राम हाफिजपुर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है लेकिन उसका यूज कुछ नहीं है, ना यहाँ पर कोई अपना यूज कर सकता है, ना किसी की जरूरत पूरी हो सकती है, और भवन की स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि वो एक खंडर बन चुका है, ऐसा खंडर कि यहाँ लोग जाने से भी डरे, और ना यहाँ कोई डॉक्टर की व्यवस्था आज तक हुई है और ना आगे होने की हमें उम्मीद है। मेरा नाम महिपाल सिंह है, मेरी पोस्टिंग यहाँ एक साल पहले हुई है, और जब इस विद्यालय में आया था तो ये विद्यालय चारों तरफ से बिना बाउंड्री का था, और इस विद्यालय में फील्ड में इधर से कभी बकरी कभी खुले ढोर आ जाते थे, और जिनसे हमें डर लगता था, कई बार हम भगाते थे बच्चों को कहीं मार ना दें, और कोई साइकिल लेके सीधे इस कोने से निकलता था और इस कोने को निकल जाते थे, आते थे और जाते थे, कभी बाइक लेके आते थे तो हमें बहुत डर रहता था, और औरतें भी और पुरुष भी आके खड़े हो जाते थे, जिससे हमारी जो महिला टीचर थी उनको भी परेशानी होती थी। तो आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे ग्राम प्रधान श्री अरविंद कुमार जी ने प्रधान स्कूल के लिए बहुत कुछ कार्य कराया है, आज चारों तरफ बाउंड्री करा दी है और सुलभ शौचालय डबल डबल बनवा दिए हैं, 6-6, 12 के यहाँ दो विद्यालय हैं, प्राइमरी फर्स्ट और प्राइमरी सेकंड, दोनों के अलग अलग शौचालय बनवा दिए हैं।